हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का टॉपिक है जीके फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवे फॉर एवरी एग्जाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, इंडिया में पहली बार ट्रेन कब चली? तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, उस टाइम पे मुंबई को हम बॉम्बे बोलते थे, तो जो फर्स्ट ट्रेन थी वो चली थी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। ओके, आपको ये ईयर याद रखना है 1853, क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ठीक है, और एट द टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डलहौजी, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, सो इसलिए ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, मैं बहुत स्लो चलता हूँ वीडियोज में, जिससे आपको चीज़ें याद रहे, आपके माइंड में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहे। ठीक है, तो ये फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं इनको, लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रेन पहली बार कब चली? तो ये चली थी 1925। ठीक है, आपको ये ईयर याद रखना है। सो द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन विक्टोरिया टर्मिनस एंड कुर्ला इन मुंबई। ठीक है, देखो ये भी मुंबई में ही चली है ना, तो आपको ये ईयर याद रखना है। पहले कितना था, 1853, और ये यहाँ पे आ गया 1925। ठीक है, चलिए, फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, सो द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड इन कोलकाता इन 1984। ठीक है, 1984 फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे। ठीक है, इससे पहले इंडिया में अंडरग्राउंड रेलवे थी ही नहीं, 1984 से पहले। ठीक है, ये ईयर आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, सो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सो द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड नाउ इज इन गोरखपुर यूपी। ठीक है, कहाँ पर है, गोरखपुर यूपी, ओवरटेकिंग खड़गपुर वेस्ट बंगाल। तो पहले खड़गपुर में था, अब गोरखपुर में हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, गोरखपुर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन सकता है इस पर, क्योंकि अक्सर लोगों को खड़गपुर का याद रहता है, लेकिन अब गोरखपुर है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। लॉन्गेस्ट रेल जर्नी, तो इंडिया में लॉन्गेस्ट रेल जर्नी कौन सी है? सो द लॉन्गेस्ट रेल जर्नी इज बिटवीन डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, ये असम में है, डिब्रूगढ़ असम में है। ठीक है, एंड कन्याकुमारी, ये कहाँ पर, ये तमिलनाडु में है ना, ये तमिलनाडु में। सो द लॉन्गेस्ट रेल जर्नी इज बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी, परफॉर्म्ड बाई विवेक एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम आपको याद रखना है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, और ये ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 में इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है ना, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, टनल मीन्स सुरंग है ना। सो द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इज द पीर पंजाल रेलवे टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ अराउंड 11 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर, एंड द वर्क ऑन द टनल वॉज कंप्लीटेड इन अक्टूबर 2011। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर सम मोर बुलेट पॉइंट्स हैं, भोलू है ना, भोलू एंड एलिफेंट इज द मास्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे। ये इंडियन रेलवे का अगर पूछे मास्कॉट क्या है, तो आप बोलोगे भोलू, ये एक एलिफेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ इंडियन रेलवे के बारे में, इस बेसिक नॉलेज पर क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो MBA के एग्जाम्स हों, SSC के हों, गवर्नमेंट जो भी एग्जाम्स हों पूछे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट रेल रोड नेटवर्क, तो वो है उत्तर प्रदेश UP। इसमें रेल रोड का जो नेटवर्क है वो सबसे लंबा है, ठीक है, यूपी में, तो ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस वीडियो में आपको याद रखनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, visit us @gkmojo.com, थैंक यू।